हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हमारे चैनल टूर रास्ता में आपका स्वागत है। मैं सैयद सदम आपके साथ हूँ फिर एक अपडेट के साथ। आज जो अपडेट निकल के आया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण राशन कार्ड रिलेटेड अपडेट है। जी हाँ, अब आपका राशन कार्ड जो है, नया वाला स्मार्ट राशन कार्ड जो है आपका बनने वाला है। तो ये कब तक आएगा जो है, राशन कार्ड जो है स्मार्ट राशन कार्ड कब तक बन के आएगा, और इससे किन लोगों को क्या क्या फ़ायदा है, कौन से राज्य में ये अभी चालू है, और हमारे राज्य बिहार में और झारखंड में ये कब चालू होगा, पूरा अपडेट निकल के आया हुआ है। चलिए वो पूरा अपडेट हम जानते हैं पेपर कट के माध्यम से। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि हमारे चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा अपडेट हम बात करेंगे कि स्मार्ट कार्ड से जो है, राशन कार्ड से क्या फ़ायदे होंगे, और ये जो है कब तक बन के आएगा, और नए वाले जो राशन कार्ड बन रहे हैं क्या ये भी स्मार्ट कार्ड बन के आएगा, पूरा डिटेल हम बात करेंगे। या फिर जो पुराना वाला राशन कार्ड है उसका जो है स्मार्ट कार्ड बनेगा तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, या उसके लिए अलग से अप्लाई करना होगा, पूरा डिटेल जो पेपर कट के माध्यम से निकल के आया हुआ है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राशन कार्ड धारकों को दिए जाएंगे स्मार्ट कार्ड, मनमानी पर लगेगी रोक। जी हाँ, अब मनमानी पर जो है लगेगी रोक, यानी आपके जो है PDS दुकानदार, जो भी आपके राशन देने वाले, जो भी आपके डीलर होते हैं, उनकी मनमानी पर रोक लगेगी। जैसे कि रेट का मसला होता है कि रेट जो है कम ज़्यादा ले रहे हैं, वो चीज़ अब नहीं होगा, चूंकि वो सारा कुछ अब आपको डिस्प्ले होगा यानी देखेगा। आगे अगर पूरा डिटेल के बात करें तो सरकार की ओर से बार बार राशन कार्ड बनाने का झंझट दूर करने के लिए ही राशन कार्ड के जो है योजना के तहत स्मार्ट राशन कार्ड जो है योजना पर जल्द अमल होगा। इसके तहत 1,81,00,000 जो है राशन कार्ड धारकों परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। और स्मार्ट कार्ड एक बार बनने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दूसरा राशन कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये राशन कार्ड है वो ATM कार्ड की तरह यह स्मार्ट कार्ड लाभुकों को काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ATM कार्ड से जैसे यहाँ से पैसा निकाले, किसी और स्टेट में हम निकाल लेते हैं, भारत के किसी भी कोने में निकाल लेते हैं, तो उसी तरह अब ये काम आएगा। चूंकि आप घर से कहीं बाहर भी हैं, घर पे नहीं भी रह रहे हैं, तो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत, इस योजना के तहत, ये जो स्मार्ट कार्ड है इसके तहत आप कहीं से भी राशन का उठाव कर सकते हैं। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जन वितरण प्रणाली PDS की दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है, जहाँ से भी आप राशन का उठाव करते हैं उनकी जो भी मनमानी होती है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, उस पर अब रोक लगेगी। लिहाजा सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड में शामिल उन सदस्यों का आधार सीडिंग कराने को आखिरी मौका दिया है जिनका अब तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है। जी हाँ, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और अभी तक आपका किसी परिवार के सदस्य का अगर आधार सीडिंग नहीं है, तो उसको 31 मार्च तक जल्द से जल्द आधार सीडिंग करवा दें। स्मार्ट कार्ड के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आंकड़े के मुताबिक बिहार में लाभुकों परिवारों की वास्तविक संख्या 1,81,00,000 राशन कार्ड धारक हैं, यानी 8,81,00,000 लोग राशन का लाभ ले रहे हैं। इनमें से कम एक परिवार का सदस्य जो है 100% आधार कार्ड सीडिंग है। आंकड़े के अनुसार 7,11,00,000 लोगों का आधार संग्रह हो चुका है, 1,60,00,000 लोगों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों का आधार सीडिंग मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। एक राशन कार्ड में परिवार के अधिकतम 20 सदस्यों का नाम शामिल करने को कहा, यदि 20 सदस्य से जो है ज़्यादा है तो उस परिवार का जो है दूसरा राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आधार सेटिंग करवाना जो है अनिवार्य है तो क्यों अनिवार्य है। 31 मार्च तक राशन कार्ड में शामिल उन सदस्यों का आधार सेटिंग कराने का जो है आखिरी मौका है जिनका कि आधार सेटिंग अभी तक जो है नहीं हो पाया है राशन कार्ड में। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया, वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत आधार सेटिंग एवं सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश सभी अनुमंडल अधिकारियों को दे दिया गया है। सभी लाभार्थियों के आधार नंबर की राशन कार्ड के साथ सीडिंग करना किया जाना है। लाभुकों को परेशानी न हो इसे ध्यान में रखते हुए दुकानदारों द्वारा आधार सीडिंग के कार्य में सहयोग लिया जा रहा है। लाभार्थियों को नेशनल पोर्टेबिलिटी के फायदे बताए जाने के लिए लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सभी लाभार्थी आधार सीडिंग करवा सके आधार लिंकिंग के साथ सत्यापन भी किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार के राशन कार्ड से अनियमितता व गड़बड़ी की सारी संभावना समाप्त हो जाए। और जो है अब हम लास्ट में बात करेंगे कि स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट राशन कार्ड है कि अब ये किस तरह जो है कार्य करेगा। स्मार्ट राशन कार्ड, इसके माध्यम से डिजिटल कंप्यूटरकृत वितरण प्रणाली की सुविधा और आसान होगी। स्मार्ट कार्ड
में एक QR कोड होगा जिसके जो है जिससे कार्ड धारक को कहीं भी यानी किसी भी जगह भारत के किसी भी कोने में जो है कहीं भी और किसी भी PDS की दुकानदार से जो राशन का उठाव की सुविधा होगी, यानी कि जो कि आप नज़दीकी आपका जो PDS दुकानदार है, जो भी आपका जो है डीलर है नज़दीक में जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से आप राशन का उठाव कर सकते हो। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल पहले ही बताया गया था कि जो है ATM की तरह जो है ये कार्य करेगा, जो कि आपका स्मार्ट राशन कार्ड होगा। तो ये अभी हमारे बिहार झारखंड में अवेलेबल नहीं है, जल्द ही आने की जो है संभावना है और कई स्टेट में ऐसा बताया जा रहा है। बहुत हमारे मित्र यूट्यूबर ने डाल दिए कि भैया जो है फलाना जगह बन गया है, कोलकाता बंगाल में बन गया है, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी कोई जो है इसका जो है रिपोर्ट नहीं है। जैसे ही आएगा और खास करके जैसे ही हमारे बिहार झारखंड UP में आएगा इसके रिगार्डिंग अब मैं इसमें जो है एक वीडियो बना कर दूंगा कि इसको जो है अप्लाई कैसे करेंगे और जो है पुराना वाला राशन कार्ड है तो उसको स्मार्ट राशन कार्ड में कैसे बदलेंगे। चलिए यही एक जानकारी था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो हमारे चैनल पहली बार हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।